उससे पिछले हफ्ते देहरादून में थे, उससे पिछले हफ्ते जयपुर में थे, उससे पिछले हफ्ते अहमदाबाद में थे। हर शहर को भी वो कवर करते हैं तो दिल्ली दिल्ली में वापस दोबारा आने में उनको दो ढाई महीने लग जाते हैं। लोग बोलते हैं तुम 2,500 नहीं कमाओगे, 5,000 नहीं कमाओगे। वो इस इंडस्ट्री से लगभग लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च में कमा चुके हैं। एक ऐसा इंसान जिन्होंने सिर्फ गाड़ियों का शौक इनको लोगों को शौक दे देता है। Thank you, Bobby Boy. Good morning, Delhi. Thank you so much. Good morning, Delhi. Good morning, Delhi.
थोड़ी देर के लिए मेरा गला खराब होगा लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ये अपने आप रिदम में आ जाएगा। वेल, मेरे ख्याल से इतने सारे यंग लोग एक पर्पस को लेके जो शायद उनके पापा जी ने स्कूल भेजती वक्त उनके दिमाग में डाला था, बेटे पढ़े होके बड़ा आदमी बनना है। आई डोंट नो, यस और नो, बड़ा होके बड़ा आदमी बनना है। और उस बड़ा आदमी बनने के पैरामीटर्स क्या थे वो पापा जानते थे, करेक्ट और नो? मेरे ख्याल से अगर मेरे पापा जी ने मुझे स्कूल जाती वक्त पहले दिन ये बोला होगा तो उनकी नजर में पैरामीटर ये थे कि बड़ा आदमी बनने का मतलब कम से कम एक सिक्योर जॉब होगी उसके पास। Am I right or not? Yes, sir. दो चार लोगों के ऊपर ये रोप भी झाड़ पाएगा। गांव वाले रिश्तेदार थोड़ी इज्जत भी करेंगे। Am I right or not? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. वक्त बदलता रहा, सेक्रीफाइसेस शुरू हुए, एडजस्टमेंट डालने की आदत पड़ गई और हम बड़े होते होते छोटे के लिए प्लानिंग करने लग गए। Am I right or no? Yes, sir. बड़ा जीवन, इसके मापदंड क्या है 21वीं सदी में? इंस्टाग्राम पे 6 लाइक, फेसबुक के ऊपर 2 कमेंट, एक अच्छी बियर्ड, बाइक पे टांगे चौड़ी करके बैठना और पीछे एक बंदी। हमारा ही करना ये सब लोग, कुछ लोग उनको देख के आए बढ़ते रहते हैं, ये है बड़ा जीवन है हमारा। इट और नॉट, पर हिंदी में 2 बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए थे, रामायण और महाभारत। आज भी हिंदू संस्कृति इनको फॉलो करते हुए बहुत कामयाब लोग पैदा कर रही है, हमारा इट और नॉट। अगर हम आज एक फैमिली में हैं तो रामायण की वजह से, अगर जीवन में तरक्की कर रहे हैं तो गीता की वजह से, हमारा इट और नॉट। Yes or no? Yes, महाभारत के अंदर एक सब्जेक्ट आता है, टॉपिक आता है कि गुरु द्रोणाचार्य जी कौरव और पांडवों को शिक्षा देने के बाद एक जगह इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उनको एक वृक्ष की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं, आप सब बताएंगे बारी बारी कि आपको क्या दिख रहा है। कुछ याद आया? दुर्योधन को झाड़ दिखा, दुशासन को पेड़ दिखा, किसी को तना दिखा, किसी को ब्रांचेस दिखी, किसी को पत्ते दिखे। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? और गुरु द्रोणाचार्य ने उनको वापिस भेज दिया, जाओ कोई बात नहीं। बात आई अर्जुन की और अर्जुन से बात करते वक्त उन्होंने कहा, पार्थ तुम्हें क्या दिख रहा है? कुछ याद आया? क्या दिखा? निशाना लगाने से पहले गुरु द्रोणाचार्य का सीना फट गया कि जिसके लिए तैयार किया था इसको वही चीज दिखी है। गेटिंग माय पॉइंट? निशाना लगाने से पहले गुरु द्रोणाचार्य गर्व से भर गए थे, इसको जो दिखना चाहिए था इसको वो दिखा है, हमारा ही टर्न नॉट, जिसके लिए इसकी तैयारी करवाई गई थी, जिसके लिए इसकी परीक्षाएं ली जा रही थी, जिसके लिए इसको इतने दिनों से ट्रेन किया जा रहा था। निशाना भले ही चूक जाए लेकिन इसको दिखा वो जो इसके लायक है, हमारा ही टर्न नॉट। और यहां बहुत सारे अर्जुन है जिंदगी में, इनके पापा जी ने इनको गुरुकुल भेजा, इनको बहुत कुछ दिखा, राइट और नॉट? ये बार बार सवाल पूछते रहते, कई बार रिश्तेदार, कई बार पड़ोसी, कई बार दोस्त, पार्थ तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे बर्थडे पार्टी दिख रही है, मुझे कलंक दिख रहा है, राइट और नॉट? मुझे बंदी दिख रही है, मुझे बंदियां दिख रही है।
और ना जाने क्या क्या दिखता रहता है। ट्रिप पे चलते हैं, कुछ बोर से हो गए, ट्रैकिंग करते हैं हमारा yes or no? जीवन यार उलझनों से भरा हुआ है, कुछ शिव जी की बूटी पीते हैं आज की आधुनिक युवा को बहुत कुछ दिख रहा है, बस चिड़िया की आंखें नहीं बदल रही हमारा राइटर नो बहुत कुछ दिख रहा है, पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। मैं लिस्ट बनाने लगूं तो उतना तो दुर्योधन को भी नहीं दिखा उतना तो दुर्योधन को भी नहीं दिखा था जितना आज के युवा को, आधुनिक युवा को इतनी डिस्ट्रैक्शन है, उनको पता ही नहीं है इधर उधर देखो सब कुछ दिख ही रहा है yes or no? Yes, sir. सिर्फ एक चीज दूर जाती हुई दिखाई दे रही है, वो है बड़ा जीवन जिसमें शोहरत हो, जिसमें नाम हो, जिसमें दौलत हो, जिसमें पहचान हो। Am I right or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. उसको सिर्फ वो नहीं दिख रहा है, बाकी सब कुछ दिख रहा है। 21 साल का था जब मैं अपने इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर को दे चुका था, सिक्स सेमेस्टर शुरू होने वाला था। मुझे मेरे पापा जी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, क्लास वन ऑफिसर थे, लौता बेटा था, तो उनका बेटा क्या बनने वाला था? इंजीनियर। हर आदमी का एक WRT होता है फिजिक्स की तरह, विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग योर पॉइंट यस और नो? यस सर। आपको थोड़ा सा वैसे लग रहा होगा क्या कह सकते उसको कि पानी पीते पूते, लेकिन फिर भी मेरा गला साथ नहीं दे रहा, तो मैं बार बार उस पॉडियम तक जाऊंगा तो एक घंटा यही लग जाएगा ना राइटर नॉट तो मैं साथ में लेंगे। तो मेरे पापा जी को WRT के अंदर दिखता था कि मैं सरकारी कॉलेज से पढ़ाऊं, मेरा बेटा IIT से पढ़ेगा। जिस बॉस को मैं जाके रिपोर्ट करता हूँ वहां उस कुर्सी पे वो बैठेगा जैसा मेरे बॉस ने मेरी उतारी है, किसी दिन मेरा बेटा किसी की उतारेगा। मेरे पापा जी को लगभग 18 साल यही दिखता रहा और मुझे बहुत कुछ दिख रहा था। मेरी 12वीं की शिक्षा पूरी हो गई, मेरे पापा जी ने 1,00,000 रुपए का एडमिशन करवा के मेरे कोचिंग में दाखिल करवा दिया। भारत को आजादी 1947 में मिली थी, मेरे को प्लस टू के बाद मिली थी। पहली बार उस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए मुझे सुबह निकल जाना होता था घर के और शाम को 8 बजे तक वापस आना होता था। और खुशी की बात क्या थी कि मैं एक साल में एक बार भी नहीं गया था। मेरे ताया जी का लड़का जो मेरे गांव में था, हम चार दोस्त थे जो प्लस टू में पढ़ते थे। मेरे गांव की एक लड़की थी और मेरे पापा जी के दोस्त का एक लड़का था और मेरे ताया जी का लड़का, हम चारों एक हमउम्र लोग थे। हम दोनों ही उस दिन उस इंस्टीट्यूट में एक दिन भी नहीं गए। और मेरे ताया जी का लड़का मेरे को मोटिवेट करता था कि बेटा छोड़ मोह माया के चक्कर में, बहुत प्रेशर है दुनिया में, जंगल चलते हैं साधु बनेंगे। और मैं एक साल जंगल में शिव जी की बहुत आराधना की, बहुत खुश किया मैंने शिव जी को। जिंदगी का सबसे बिगड़ा हुआ साल मेरा प्लस टू का अगला साल था जिसमें मैं मैक्सिमम बिगड़ा हूं, गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ रहे? इंतहा होगी, इंतहा। और साथ मिले तो आदमी आत्महत्या में भी खुशी महसूस करता है। कोई बोलते ना चलो दोनों मिलती करते हैं, उसको लगता है चलो साथी तो है कोई हमारा ही करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे को भी लगा चल यार हम ही अकेले थोड़ी होंगे, साथ में है ना एक साधु और, निकल जाएंगे साथ साथ में, हमारा ही करना। एक साल के लिए मैं इंस्टीट्यूट नहीं गया और मेरे को 21 साल की उम्र में मेरे पापा जी के बहुत प्रयत्न करने के बाद जब मैं इंजीनियरिंग में हो गया, क्या बनूंगा ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तब मुझे जिंदगी में पहली बार अपनी जिंदगी का लक्ष्य साफ साफ दिखा था। एक छोटे से स्कूल की बिल्डिंग में 11 लोगों के बीच में मुझे सबसे महंगा बताया गया था कि आपका पैकेज 52 लाख रुपीज पर एनम हो सकता है 2006 में, गेटिंग माय पॉइंट? और उसके पीछे
कि मैं दुनिया में क्यों सबसे अलग करूं और क्यों चाहिए मुझे 52 लैक, इसका कारण बहुत पहले 6 साल पहले बन चुके थे। जो मेरे को साधु बनाने पे तुला था, जब काउंसलिंग हुई तो वो 10वें नंबर का IITian बना। दुख ये नहीं था, मेरी काउंसलिंग के बाद मेरे पापा जी के साथ में लास्ट की रो में पूछ रहा था, हमें बुलाया ही नहीं है। बोला ये इनका रिजेक्ट करने का तरीका होता है, मेरे पापा जी मुझे समझा रहे। दुखी वो मुझसे ज्यादा थे, लेकिन हौसला बहुत ज्यादा था उनके पास। गेटिंग माय पॉइंट? मुझे इस बात की दुख नहीं हुआ कि मैं IIT में नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी। अपन को बनना ही साधु था। लेकिन जब दूसरा साधु साथ छोड़ गया, मेरे ताया जी का लड़का 10वें नंबर पे आया पूरे इंडिया के अंदर, और वो IIT सिलेक्ट हो गया। सबसे बड़ा झटका ये लगा कि अकेला ही साधु रह गया। मेरे गांव में पढ़ने वाली लड़की MBBS में सिलेक्ट होगी, मेरे पापा जी का दोस्त का बेटा NDA में सिलेक्ट हो गया, और मैं उस दिन शायद आदमी खुद मरता तो कैसे मातम बनाता है, मैं उस दिन फील कर रहा था। Are you what I'm saying? एक हंसता खेलता चेहरा एकदम डंप हो गया, और उसने कसम खाई कि इन तीनों से अब जिंदगी में नहीं मिलेंगे। Are you what I'm saying? मेरे पापा जी ने सुबह मेरे को कर्नाटका की ट्रेन पकड़ाई, बेंगलोर में इंजीनियरिंग एडमिशन दिलाया, खूब भारी डोनेशन दी, लेकिन वो आग धीरे धीरे बढ़ती रही थी कि जिनके साथ पूरी जिंदगी बितानी थी उनसे अलग हो गए। गेटिंग माय पॉइंट? हर जिंदगी में किसी न किसी के कारण होते हैं जिसकी वजह से वो अलग फैसला लेता है, लेकिन मिडिल क्लास के पास कोई कारण नहीं होते, क्योंकि उसका सेंसर खराब होता है। छोटा सा सोफा, छोटी सी गाड़ी, छोटा सा TV, सब कुछ ठीक ठीक मिल चुका होता है मन भरने के लिए। अब बेशर्म इतना होता है, उसको फील ही होता है किसने बेइज्जती की है। Am I right or not? इतना तो चलता है। हम भी तो करते हैं, ये भी तो होता है, सभी के साथ तो होता है। Am I right or not? ऐसे डायलॉग मार के वो अपने अंदर के क्रांतिकारी को खत्म कर देता है। Am I right or not? Yes or no? छह साल के बाद मैं छोटी सी मीटिंग में बैठा था, और मुझे 52 लाख रुपीज बताए थे, और मैंने बोला अब निकालते हैं बदला। उसकी MBA से पहले, उसकी MBBS से पहले, और उसके IIT पर IIT के पैकेज मिलने से पहले बताते हैं कि हम कौन चीज थे। माय पॉइंट? एक चीज थी, मुझे देखो खास इच्छा नहीं थी पैसे कमाने की। माय पॉइंट? मुझे मेरा बजट भी 30-35 हजार में 5-6 हजार बचाने के लिए तैयार था। मेरे को ऐसा लगता था शहनशाहों की जिंदगी होती है 30-35 हजार की। माय पॉइंट? लेकिन वो चीज जो मेरे अंदर के उस इंसान को हिला गई थी कि अभी भी वक्त है, किसी को पीछे छोड़ा जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हैं? वो चीज मेरे को झंकार कर गई थी कि अगले 1 साल के अंदर अंदर पूरे के पूरे 6 साल का बदला निकाल लूंगा। यस माय डियर फ्रेंड, मेरे डिसीजन लेने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था कि मैं अपनी लाइफ में उस WRT को खत्म करना चाहता था। मैं घर जाता था तो मैं मम्मी को बोलता था कि अगर वो पूछते हुए आए कि नितिन आया है, तो बोलना नहीं, बना कर देना कि नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे आंखें मिला सकता था, जिनके साथ 2-3 साल पूरे एटीट्यूड में बिताए थे। गेटिंग माय पॉइंट? मुझे लगता है कि हर इंसान के पास कारण होते हैं, लेकिन वो उन कारणों के ऊपर मिट्टी कैसे डाल देता है, उसका एक्सपीरियंस और उसकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होती है एक आदमी के पास। हमारा राइट और नॉट? कोई रीजन गोला बनता ही नहीं है। हमारा राइट और नॉट? बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, भगवान के बहुत आशीर्वाद से 11 जनवरी 2006 को मेरी जिंदगी में मैंने अपनी जिंदगी के 22 साल 21 साल के अलावा कुछ और करने का प्रण किया कि मैं करके बताता हूं कि मैं क्या चीज हूं। उस अर्जुन को साफ दिख रहा था कि क्या चाहिए लाइफ में। गेटिंग माय पॉइंट? ना मुझे नाम चाहिए थी, ना शौहरत चाहिए थी, ना मुझे कुछ और चाहिए था, मुझे वो चाहिए था जो उनके पास ना हो। गेटिंग माय पॉइंट? अरे, देखो दोस्तों,
Success is a sweet revenge. Am I right or not? Yes or no? और बदला लेने के लिए कुछ तो थे कि जिसको आग बना के रखा जा सकता हो. हमारा ही पर नोट. यस, मेरे को एक डेढ़ साल 15 महीने मेरी इंजीनियरिंग के लास्ट बचे हुए थे. और हमारे यहाँ पे मुझे याद है आजकल के लोग 26 साल तक भी एक लॉलीपॉप लेके घूमते हैं कि नहीं कमाया 26 साल तक भी तो भी कौन सी बड़ी बात है. हमारा ही पर नोट. मेरे पापा जी 19 साल के थे जब उन्होंने कमाना शुरू कर दिया था. और आपके पापा का भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, शायद वो भी 19-20 में शुरू हो गए होंगे. हमारा ही टर्न नो. यस और नो. हमारी उम्र में इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद अगर तुम एक दिन भी घर रुक गए तो 4 रिश्ते खराब हो जाते. 4 अच्छी लड़कियों के रिश्ते नहीं आते थे. क्या पता इंजीनियरिंग हुई नहीं हुई, नौकरी नहीं मिल रही है छोकरे को. हमारा ही टर्न नॉट. पापा जी भी दूध का हिसाब किताब लगाते थे हमारे टाइम पे. बेरोजगार बेटा एक दिन भी नहीं चाहिए घर. आई एम सेइंग तो एक तरीके से मुझे 15 महीने के बाद एक वर्किंग क्लास में जाना ही था. मुझे अपने घर का एक अर्निंग मेंबर बनना ही था. ये मेरे पास चॉइस थी कि मैं 35,000 से शुरू करूं या 1,00,000 से शुरू करूं. हमारा ही टर्न नॉट. मैं 1,00,000 से शुरू करूं. मुझे मतलब आपके पास चॉइसेस है कि अभी तो सर हमारी ग्रेजुएशन चल रही है, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर 1 साल तैयारी करने के लिए, फिर एक और पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर 1 साल तैयारी करने के बाद फिर कमाएंगे 26 साल में जाके. हमारा ही टर्न नॉट. जब चेहरे की कांति और क्रांतिकारी दोनों खत्म हो चुके होंगे. हमारा ही टर्न नॉट. आपके पास जाऊंगा नहीं, लेकिन आपके पास गारंटी है कि आपने अभी तक 26 साल के लिए पहले कमाने के लिए प्लान भी नहीं किया होगा. हमारा ही पर नॉट. यस और नो. लेकिन मुझे डर था कि 15 महीने के बाद जाना तो पड़ेगा कमाने के लिए. 15 महीने पहले शुरुआत करके देखते हैं. तो एक चॉइस ये थी कि करना तो पड़ेगा, चाहे 15 महीने के बाद शुरू करें या 15 महीने पहले शुरू करें. पर खुशी थी कि वो वाली चीज मिली है जिसके लिए कुछ करने का दिल डालने का मन था कि इसको फोड़ेंगे तो जिंदगी में कुछ फोड़ा है. 30,000 फोड़े तो क्या फोड़े. Are you what I'm saying? तो मुझे उस स्टूडेंट सोसाइटी में रह के अपने आप को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने का उस टाइम पे मौका मिला 2006 के अंदर, जब लोगों को इस भारतवर्ष की तो बात छोड़िए लेकिन अभी ये कल्चर था ही नहीं कि लोग अपनी कॉलेज लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट बनना शुरू कर देते थे. गेटिंग माय पॉइंट. उस टाइम पे लोग वो कमाते थे जिनका बाप दारू पीता था, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और रोज पीटते थे, उनके बच्चे बोलते थे कि कुछ करना पड़ेगा. गेटिंग माय पॉइंट. मजबूरी. मेरी बात समझ रहे हैं. मैं उस टाइम पे ये फैसला ले पाया और मैंने कसम खाई थी कि ये जो फिगर मेरे को जिंदगी में सबसे पहले दिखी थी 52 लाख रुपीस पर एनम की, इसको मैं इसी स्टूडेंट लाइफ में तोड़ के बताऊंगा. लेकिन यस, मेरी प्रोफेशनल जर्नी मेरी स्टूडेंट लाइफ में ही शुरू होगी थी बाय चॉइस. मेरी प्रोफेशनल जर्नी मेरी स्टूडेंट लाइफ में शुरू हो गई थी. और मैंने तब इस बात को सोच लिया था कि इस अर्जुन को ये मछली की आंख फोड़नी जरूर है. मैंने काम करना शुरू किया. बड़ा ऑड सा फील हुआ, लोगों ने मजाक बनाया, बनाना भी चाहिए था क्योंकि कोई भी अलग काम करते तो मजाक ना बनाए तो कैसे लगेगा कि अलग काम कर रहे हैं. इस आइडिया के बारे में शेयर करता था, उनको इंस्पायर करता था कि जब तक लोग अपने यहां पट्टा डाल के नोएडा और गुड़गांव में चाय का ब्रेक का इंतजार करेंगे तब हम फॉरेन घूमने निकल जाया करेंगे. और लोगों को एक बहुत पॉजिटिव इमेजिनेशन दे रहा था, ऐसा भी
हो सकता है अगर हम इनसे पहले शुरू कर दें। 600 प्रेजेंटेशन इन 90 डेज, 90 दिनों में मैंने कम से कम 600 लोगों के साथ ये आइडिया शेयर किया। लोगों ने मेरे साथ चलने के लिए हामी भरी, 551 लोगों ने मेरे को मना कर दिया कि इस तरीके का थॉट हमारे को अलाउ नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? हमारे इंडिया में ऐसी उपजाऊ मिट्टी है नहीं कि एक आदमी कुछ औकात से बड़ा करे, कैपेसिटी से बड़ा करे तो उसको बूस्ट करे। बहुत बढ़िया, तेरे को जरूरत होगी तो मेरे को बोलना, तेरे को कोई छोटा मोटा काम करवाना हो। गेटिंग माय पॉइंट? उसका मिशन बन जाता है कि भाई अपनी जिंदगी होगी बर्बाद पर तेरी नहीं होने देंगे अब आप। इंडिया में ये माहौल है, हमारा राइट और नॉट? कई लोगों की तो स्माइल इतनी खतरनाक होती है वो मानसिक रूप से तोड़ देती है लोगों को। कई लोगों के चेहरे पे परमात्मा ने ऐसी स्माइल मारी होती है कि उसको ब्रह्मास्त्र की जरूरत नहीं होती दूसरे आदमी को मारने, वो ऐसे तोड़ देता है उसको। गेटिंग माय पॉइंट? मेरे कॉलेज में ऐसे बहुत सारे लोग थे और मैं भी मानसिक रूप से उतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं अपनी सक्सेस की जर्नी में ऐसे तीर झेल पाऊं। पर जब वो मुस्कुराते थे मैं उनसे खतरनाक मुस्कुराता था उनको देख। वो मेरे पास आते थे, हम तो इसलिए हंस रहे हैं किस पचड़े में पड़ा है। 15 महीने स्टूडेंट लाइफ के लगे थे, मस्ती मार, बंदी पटा, फिल्में देख, ऐश कर, फिर पूरी जिंदगी पट्टा लटका के तो घूमना ही घूमना है। हम तो इसलिए हंस रहे हैं क्या तुम मेंबर बनाने वाले काम में लग गए, पर तू क्यों हंस रहा है? मैं बोलता था कि तुम मेरा प्रेजेंट देख के हंस रहे हो, मैं तुम्हारा फ्यूचर देख के हंस रहा हूं। मेरा प्रेजेंट देख के हंस रहे हो, मैं तुम्हारा फ्यूचर देख के हंस रहा हूं। जो तुम्हारे पीछे बैठती है जिसको तुम फिल्में दिखाते हो ना, उसने तुम्हें मामा बनाया ना। ना उसने तुम्हें मामा बनाया तो मेरा नाम बदल के रखा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का इमेजिनेशन बताता हूं कि मैं किस लिए कर रहा हूं। आज से 1.5 साल के बाद मेरे वाली पीछे नहीं बैठेगी, 7 वाली पे बैठेगी। और मेरे वाली वो होगी जो मेरे बच्चों की मां भी बनेगी। मेरे वाली साथ में बैठे, तेरी वाली की तरह नहीं कि वहां तेरी कमर में आके किसी और को। एक 120 की स्पीड होगी, अजमेर का हाईवे होगा, बारिश लग रखी होगी और जगजीत सिंह की गजलें लग रखी होगी, फिर जो आंखों में बात होगी क्या तुम्हारे में होगी तो नहीं। तो बताओ किसको हंसना चाहिए, तो बता किसको हंसना चाहिए। बोले यार तेरे को बुरा नहीं लगता लोग ना कर देते हैं? मैंने बोला लोग उनको एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। आजकल इतनी श्रद्धा नहीं कि काम से ज्यादा काम किया जाए। तो बता किसको हंसना चाहिए, तो उनको साफ जवाब होता था कि मैं बोल नहीं पाते थे लेकिन
मेरा एक दोस्त था सुधीर बिश्नोई, मैं बहुत बदनाम करता हूँ क्योंकि उसने मेरे पहले एक साल में बहुत मानसिक बल तोड़ा है। मेरे को कामयाबी के अलग फंडामेंटल बताए, पावर ऑफ डिक्लरेशन, पावर ऑफ रिटन वर्ड्स, जिस चीज को आप बार बार बोलते रहते हैं वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, गेटिंग माय पॉइंट। छोटे छोटे गोल्स बनने चाहिए, तो हमें यही चीजें आगे ले जाती हैं कि किसी के सामने जब आप कोई चीज बोल देते हैं तो वो शार्क की तरह काम करती है। Are you what I'm saying? इनडायरेक्टली वही लोग आपका इंतजार करने लग जाते हैं, क्या इसने बोला था, लाएगा कि नहीं लाएगा। रीडिंग माय पॉइंट, पावर ऑफ रिटन वर्ड्स। आप एक शब्द लिखते हो, मालूम है तब एक शब्द लिखती वक्त आप कुछ नहीं सोच पाते, सिर्फ वही लिखने में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इतनी ताकत जुड़ जाती है शब्द में लिखने में, राइट और नो? पूरा यूनिवर्स आपका एक पेन की निब पे केंद्रित हो जाता है, करेक्ट करूंगा? यस सर। पावर ऑफ डिक्लरेशन एंड पावर ऑफ रिटन वर्ड्स। तो हमें आदत थी कि जब भी हम प्रेजेंटेशन देते थे हम बोलते थे तेरा भाई 6 महीने में खुद की सेल्फ अर्न्ड खुद के पसीने से कमाई हुई बाइक खरीदेगा। दो चार बार डर भी लगा लेकिन फिर बेशर्मी आ गई, एक स्क्रिप्ट का पार्ट बन गया, गेटिंग माय पॉइंट, बोलना ही होता है। ओके तो मेरा एक दोस्त था सुधीर बिश्नोई, वो मेरे को पूछता था, हाँ भाई तेरे 2500 का चेक आ गया? मैंने बोला तेरे से पहले आ जाएगा। वो पूछता था कि तेरी बाइक आ गई? मैं बोलता था तेरे से पहले आ गई। तेरी गाड़ी आ गई? मैं बोला तेरे से पहले आ जाएगी। तेरा 1,00,000 का चेक कब आएगा? मैंने बोला अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि तेरे से पहले आएगा। अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि तेरे से पहले आएगा। इतना मजा, इतना एटीट्यूड, इतनी आशा, इतनी इमेजिनेशन, इतना मजा आता था, इतनी जेंट लाइफ थी कि मैं बता नहीं सकता आपको। जब मैं स्टूडेंट था सब ऐसे लगते थे दू लोग बोलते थे कैसा आदमी है यार, जब भी बैठो सपने 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 करते रहता है, और लोग बोलते कैसे आदमी है यार, ये सपने सपने करते ही नहीं है हमारा ही करना। मेरे पापा ने, मेरे दादा ने, मेरे पड़ोसियों ने, मेरे टीचर्स ने जो मेरे को 21 साल कम बताया वो कुछ भी काम नहीं आया लखपति बनने में। Are you understanding? Yes, कुछ पागलों और संकियों जैसी बातें की और मालूम चला महंगे हो गए। Getting my point? मालूम चला हम महंगे हो गए। मेरे पापा से मैंने रॉयल इनफील्ड मांगा था, मेरे पापा जी ने 6 महीने पहले, मैं पापा जी से डरता था, जिस दिन मैंने रॉयल इनफील्ड मांगा मेरे पापा जी मुझसे डरने लगते। 2 मंजिला घर था, जब मैं पापा से कुछ नहीं मांगा था तो मैं डरता था, जब वो ऊपर वाले में होते थे मैं नीचे वाले में चले जाता था, जब वो नीचे आते थे मैं ऊपर वाले में। जिस दिन मैंने रॉयल इनफील्ड मांगी वो घर लेट आना शुरू हो गया। मैं नीचे वाले कमरे में होता था, वो मम्मी से ऊपर वाले कमरे में कपड़े मंगाते थे। 6 महीने मांगते मांगते हो गए, मेरे पापा जी ने मुझे नहीं दी, बोला या माँ कह बोले RX 100 आता था उस टाइम पे, गड़ी में पॉइंट ठीक। मैंने बोला यार जिसने रॉयल इनफील्ड में रात को तकिया पकड़ पकड़ के देखे सपने में, वो यामा तो लूना जैसी लगती है ना, राइट? तो सुबह तक मैं राजी थी, सुबह तक मैं मन भी बना लेता था कि ले लेते हैं, लेकिन फिर दिन में होश आता था कि 1-2 दिन का क्रेज है, फिर वो अखबार में फैली बड़ी रीडिंग में पॉइंट। अरे सही, जिसका एक बार चच गया है वो चाहिए चाहिए। 6 महीने के बाद जब इंतहा होगी तब मैं अपनी मम्मी को डायलॉग बोला, मेरा गला खराब है ना तो इससे भी तेज चला सकते थे आप, कोई बात नहीं,
क्या मजा आ रहा होगा, आप घर जाके इसको एक्सप्रेस सुनना। मैंने मम्मी को एक डायलॉग मारा, मैं बोला मम्मी एक ही तो बेटा है, जिंदगी में मांगा क्या तुमसे आज तक, एक बाइक मांग रहा हूँ, एक बुलेट मांग रहा हूँ, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो सोच समझ के पैदा कर रहा हूँ। अगले दिन मेरे पापा जी ने मेरी बांह पकड़ी, बोला चल ले अपन टोटल पेशा हूँ। हमने किक मारी, हम दो चार रैपर ले आए, मैंने पीछे टेल लाइट पे लिखाया डैड्स गिफ्ट, और मेरे पापा जी ने सुबह ब्लेड लेके भाड़ा, बोले उसको देख के मेरा खून जलता है। मैं अपने कस्बे से जब गुजरता था वहां का हलवाई बोलता था, बाप के पैसे किए बेटे, जिस दिन पेट्रोल भी खुद के पैसे का डलवाना पड़ा तो महीने में एक बार ही निकला करेगी दोनों दोनों। पहले तो मैं बड़ा चौड़ा होकर जाता था, फिर मैं उसको चुपचाप ही ले जाता था, टीका आगे मारता था फिर जाता था, मैं तो सारा एटीट्यूड ही खत्म हो जाता था। मैंने कॉलेज लाइफ में बोला कि मैं जनवरी में ज्वाइन हुआ, मैंने सोचा जून में जाके 6 महीने लग जाएंगे तब जाके मैं एक बाइक खरीद पाऊंगा। मैंने पावर ऑफ डिक्लेरेशन को यूज करना शुरू किया, प्लान लेता था और लास्ट में ये बोलता था तेरा भाई जून महीने में खुद की कमाई से अपने लिए बाइक गिफ्ट करेगा। जो काम जिंदगी में पैसे कमाने का मतलब दो होते हैं, एक तो लालची राक्षस बन जाओ और दूसरा जितनी मेहनत से कमाओ आपको खुद की दैवीय शक्तियां पता चलती है। हमारा राइट और नो आपको मालूम चलता है अंदर को अलग ही आदमी है भाई, है नितिन कुमार जी मां जिसको मैं जानता था। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तीन छह मैंने जनवरी में टारगेट लिया था, जून का टाइम लिया था और मार्च खत्म होते होते 2 अप्रैल 2006 को 51,000 रुपीज की यामा फेजर मैंने कॉलेज से खरीदा था। करोड़ों कमा लिए हैं लेकिन जो पहले के कमाए हुए हैं ना बहुत प्यारे लगते हैं, कैसे कमाए हैं ठीक। जितना पैसा पहले साल नहीं आया था उतने 7 दिन में आ गया, जितना पहले 3 साल में नहीं आया, 2 साल में नहीं आया, उतना 6 महीने में आ गया था। लेकिन जो पहले का था ना ये उसी की वजह से आया। हमेशा आपका पिछला टास्क वैल्यू क्रिएट करता है, उससे एक नई वैल्यू बनती है। हमारा जिस चीज को तुम खाना पूर्ति करना शुरू करते हो वहां आप अपनी वैल्यू को देते हो, इससे कभी दोबारा वैल्यू बनती नहीं है। हमारा इटर्नो मेरा दोस्त था वो मुझसे बार बार पूछता था, चिढ़ाता था, उसने मंडली बना रखी थी कि आए तो हंसना तुम। पॉइंट? और मैंने वो बाइक खरीदी और बाइक खरीदी और उस बाइक स्टैंड में लगाने के बोला ये सबके बाप की और मेरी अपने आप की। छह महीने के बाद मेरी क्लास में पढ़ने वाले 6 लोगों के पास खुद की कमाई हुई बाइक वहां पहुंच गई। वो 6 दोस्त कौन थे? एक का बाप क्लर्क की नौकरी करता था रेलवे के अंदर, एक का प्राइमरी स्कूल का टीचर। ऐसे लोग जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे लेकिन हौसला और ड्रीम थे। गेटिंग माई पॉइंट? उन लोगों ने ज्वाइन किया था वो लोग बाइक तक पहुंच गए, बहुत खुशी होती थी कि साला बाप नहीं पहुंचाता दोस्त ने पहुंचा दिए। गेटिंग माई पॉइंट? महीने के बाद मेरी बाइक आने के बाद मैंने बाइक स्टैंड पे खड़ी करने के बाद कसम खाई कि कसम है मेरे को अपने सपनों की, इंजीनियर बनने के बाद ये इंजीनियर कभी जिंदगी में 2 व्हीलर पे नहीं घूमेगा।
पावर ऑफ डिक्लेरेशन टारगेट नंबर टू इंजीनियरिंग खत्म होते ही इसके पास उस टाइम पे सबसे लग्जरी इंडिया मेड गाड़ी थी इंडिका V2 जो टाटा ने बनाई थी। मैंने प्यार किया मैं सबसे महंगी गाड़ी थी मारुति 800 जिसमें उसका बाप बैठ के आता था। ये तुम्हारा आजकल कर देखने का स्टाइल बदल गया कि ये महंगी गाड़ियां हैं। मैंने सपना लिया कि मैं इंजीनियरिंग खत्म होने से पहले पहले आठवें सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम देने से पहले अपने आप को इंडिका V2 लाल कलर की 4.5 लाख रुपए की गाड़ी अपने आप को गिफ्ट दूंगा। जो मेरे साथ इस कॉलेज में पढ़ता है ना वो इस कहानी को याद रखे कि किसी आदमी ने 3 महीने की पॉकेट मनी से बिजनेस शुरू किया था और 1 साल के अंदर अंदर मेरे पापा जी 28 साल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पे थे। 28 साल के बाद भी हमारे पास मारुति 800 नहीं थे। एक दीदी MBBS करती थी, दूसरी MSc करती थी, तीसरा इंजीनियर। बाप इतना ही कमा सकता है या तो अपने शौक पूरे कर ले या अच्छी एजुकेशन दे दे बच्चों को। Am I right or no? Yes or no? तो मेरे पापा जी के पास 28 साल के अंदर भी एक मारुति 800 ली थी, सरकारी जीप मिल जाती थी। Getting my point? और मैं कसम खा रहा था कि मैं इंजीनियरिंग खत्म होने से पहले पहले 4.5 लाख रुपए की इंडिका V2 दे दूंगा। भगवान का बहुत आशीर्वाद था कि मैंने इस पावर ऑफ डिक्लेरेशन को और पावर ऑफ रिटन वर्ड्स को छोड़ा नहीं। इस फंडामेंटल के ऊपर पूरा विश्वास डाल दिया कि जो आप बोलते हैं वो ब्रह्मांड सुनता है। गेटिंग माय पॉइंट? जब आप लिखते हैं तो ब्रह्मांड इकट्ठा हुआ होता है। गेटिंग माय पॉइंट? सबसे बड़ी ताकत आपके साथ होती है। और मैंने लिख दिया कि मेरे को ये चाहिए। भगवान का बहुत आशीर्वाद था। 8 सेमेस्टर शुरू होने में 10 दिन बाकी थे। 6 महीने पहले मैं कॉलेज के गेट के अंदर एंटर करता हूं इंडिका V2 से लगभग डबल उस टाइम पे जो 10 दिन पहले लॉन्च हुई थी गाड़ी, फोर्ड फिएस्टा 9 लाख रुपए की गाड़ी के साथ। देखो दोस्तों, ये मत मानना कि मक्खन की तरह यात्रा थी। जो 30 साल में मिलता है वो 3 साल में चाहिए, तो जो 30 साल में करना पड़ता है वो 3 साल में करना पड़ता है। आजकल बहुत कॉम्पैक्ट दुनिया है, पानी जितना भी फैला हुआ हो लोग हाथ मुंह ही धोते हैं उससे। लेकिन जब वो एक पेन स्टॉक में आ जाता है, एक नाली में आ जाता है, तो इतना बड़ा टरबाइन घुमा देता है कि लोगों के घर में बिजली बन जाती है। गड़ी नहीं हुए हरियाणा से, तो अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं, आप फोकस नहीं है, अगर आप एक लक्ष्य के लिए समर्पित नहीं है तो पूरी जिंदगी लगा दो, कुछ नहीं आने वाला। अगर फोकस है, कॉन्सेंट्रेट है और पूरी तरीके से ईमानदार है, 1 साल बहुत होता है जिंदगी बनाने के लिए। 1 साल बहुत होता है जिंदगी बनाने के लिए। 1 साल के अंदर अंदर 5 रुपए से कंडक्टर से लड़ता था कि बच जाए। अपने पापा से 3 महीने की पॉकेट मनी मंगाई थी जिससे व्यापार शुरू किया था। कसम खाई थी कि जिंदगी में कभी उस बैंक से इस बैंक की तरफ ट्रांसफर नहीं होगा। मेरे पापा से यह बोल के पैसे मंगाए थे कि पापा जी मेरी इंटर्नशिप है, 6 महीने का कोर्स है, मुझे कुछ अच्छा परफॉर्म करूंगा तो कुछ पैसे भी देंगे। बात समझ रहे हो? मेरे पापा जी ने वो सोच लिया मेरा पिछला पास देके झूठ बोल रहा है। Getting my point? उन्होंने भेज दिए और उस बात के ऊपर पूरा विश्वास रखा कि ये बेशर्म अगले महीने दोबारा फोन कर दे। और दूसरे महीने मेरा फोन नहीं गया। बाप के दिल में दर्द होने लग गया कि बेटा तंग रहा है। Getting my point? लेकिन उन्होंने तीसरे महीने को फोन किया 4 तारीख को कि बेटे मई का 3 मई का टाइम था, मेरे बर्थडे के अगले दिन मेरे को फोन करते हैं कि बेटे छोड़ परे यार जिद, मेरे को पता तेरे से खर्च हो गए होंगे, बता कितने भेजू। और मैंने बोला पापा जी अब आप बताना कितने भेजने हैं। आप बताना
भाई एक साल के अंदर गाड़ी 8.5 लाख रुपए 4 इंजीनियर का पैकेज होता था उस टाइम पे, उतने की हम नीचे गाड़ी चला रहे थे वेडिंग में पॉइंट। कॉलेज में बहुत बेइज्जती गार्ड से भी सही, क्योंकि लेट आना पड़ता था, जल्दी निकलना होता था, दीवारें भांगनी होती, तो गार्ड भी हमें ऐसे ट्रीट करता था कि हमारा सपना बन गया कि बड़े होकर गार्ड बनेंगे। इतना रुतबा तो गार्ड का ही होता, इतना रुतबा तो गार्ड का ही होता। देखा आपने कभी गार्ड का रुतबा? भाई साहब जितनी मर्जी बेइज्जती कर सकता है, कितनी पावर होती है उसके पास, हमारा राइट और नॉन। 11 जनवरी 2006 को ज्वाइन हुआ था, 11 जनवरी 2007 को दोबारा कॉलेज में एंटर हुआ। आगे ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, पीछे मालिकों की तरह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अपन खिड़की खोल कर बोलते चाचा मैं हूं। आधे घंटे के बाद एचओडी बिठाया पिछली वाली सीट पर, ड्राइवर को बोला चक्कर मारते रहना जब तक हम नहीं रोकेंगे। ड्राइवर ने एक मेरे एचओडी ने एक साल मेरा शोषण किया था कि अटेंडेंस कम होगा दीवार पर, क्योंकि तो मेरे पता है कि लोगों को ऐसा कुछ बताता है, तू ये करता है, तू वो करता है, तेरे पे खास नजर है मेरी, मैं तेरे को दीवार पर मैं तो बैठा हूँ कार में, एक अटेंडेंस कम होनी चाहिए। कसम से एक अटेंडेंस नहीं कम होगी, 83 होगी 75 के लिए। एचओडी की थाई पे हाथ रखा, मैंने बोला सब आपकी मेहरबानी है, मैं तो पत्नी कितने साल लग जाने। आपने बोला डीबार कर दूंगा, मेरे को लगा जल्दी आनी पड़ेगी। सर अब करके बताना, अब डिग्री सिर्फ नेम प्लेट के लिए चाहिए, पैसा कमाना मैं सीख गया। आप इस डिग्री को मिस यूटिलाइज नहीं करूंगा, इसको दिखा दिखा के भीख मांगूंगा, मेरी कमाई है, मेरे को पैसे दे इसके। आर योर नेम सेइंग, आर योर नेम सेइंग, अब मैं इसको दिखा दिखा के पैसे नहीं मांगूंगा। अब मैं 6 महीने इसी कैंटीन में बैठूंगा, मैं क्लास में नहीं जाऊंगा, आप दीवार करके बताएं। मुझे एक बात समझ आ गई कि लोग तब तक आपका शोषण करते हैं जब तक आपकी मजबूरी होती है कोई चीज, हमारा राइट और नो, यस और नो। जब आपके पास चॉइस होती है तो लोग आपको इज्जत देते हैं, हमारा राइट और नो। 6 महीने कैंटीन में बैठा रहा मैं, एक दिन भी क्लास, पूरी स्टूडेंट लाइफ थी, कंटी नहीं थी कोई नहीं, गंदी कोई नहीं थी, इस चक्कर में पढ़े नहीं, मालूम तुम आगे कहानी बताऊंगा मैं। इंजीनियरिंग खत्म होने वाली थी, मेरे 6 दोस्त जो बाइक लेके गए थे, जिनके पापा क्लर्क थे, 6,000 रुपए कमाते थे, टीचर थे जिनके पापा पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल की नौकरी करते थे, वो 6 दोस्त एक के बाद एक कॉलेज से 6 गाड़ियां निकलती है, चम चलाती है। यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर जिन्होंने जीरो से यात्रा शुरू की थी, 15 महीने में अपनी 9-9 लाख की गाड़ी से एग्जाम के सेंटर पर आया। मजा आ गया, मतलब कि दिल्ली नहीं करता था पेपर में कुछ लिखे, ऐसा करता था 33 का हो जाएगा क्या। इंजीनियरिंग का लास्ट सेमेस्टर लास्ट एग्जाम देने के बाद जयपुर की नाहरगढ़ के ऊपर 6 की 6 गाड़ियां 5 बजे निकलती हैं, हाथ में
खुद के कमाए हुए शौक पूरे करने के लिए काम किया था, गड़ी में साधु बनने के लिए तो नहीं पैसे कमा रहे, सन्यासी बनने के लिए, तपस्वी बनने के लिए, हमें भी झूमना था पर अपने पैसे के झूमना था, गड़ी में छह गाड़ियां मार करके, छह गाड़ियां ऐसे सेंटर में खड़ी करके, बीच में लाइट लगा के चीयर्स करके बोला, अब दुनिया को बताएंगे धंधा क्या होता है। गेटिंग माय पॉइंट, पार्ट टाइम खत्म, फुल टाइम मैदान में आप। गेटिंग माय पॉइंट, पहले एक साल के अंदर अंदर 1,28,000 कमाए थे, लेकिन अगले एक साल में 34,00,000 का शुद्ध मुनाफा। शुरू किया था कोई साथ में नहीं था, लेकिन जिस दिन इंजीनियरिंग का लास्ट एग्जाम दिया था, 1500 का नेटवर्क बना के छोड़ा था, हाईवे अपने प्लेटफॉर्म पे रनवे पे था पूरा टेक ऑफ करने के लिए प्लेन, धंधा करके आप बताएंगे। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, भगवान का बहुत आशीर्वाद होता है, बहुत टल्ली हुई उस दिन, एक तो पहली बार पी और उसके बाद जम के पी। सॉरी ये संस्कारी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, मैं वही बातें कर रहा हूँ जो सच्ची हैं। पॉइंट, शाम को 12:30 बजे पापा जी को फोन करता हूँ, मेरी शादी करवा। मेरे पापा जी बोलते दिमाग खराब हो गया। मेरी मम्मी को फोन देते हैं और मम्मी बोलते देख टाइम क्या होगा, मैंने बोला मम्मी मेरी रिश्ता ढूंढो मेरे लिए, बोलो बेटे 8 घंटे भी नहीं हुए तेरी इंजीनियरिंग खत्म हुए, 8 घंटे भी नहीं हुए तेरी इंजीनियरिंग खत्म हुए, ये क्या बात है, ऐसी बातें करते हैं क्या। मैंने बोला मम्मी सुनो लॉजिक बात कर रहा हूँ, मोटा पैसा कमा रहा हूँ, डॉलर भी 18K है, चिकना भी हो, फेस कट भी है, जब लड़कियां थोकते थोकतों के साथ सेट हो जाती है अपने पीछे तो नाइन लग रही है। तो मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूं मम्मी, कि मेरे को नशा पैसे कमाने का रखा है, इस काम में पड़ गया तो उधर का भी नहीं रहूंगा इधर का भी नहीं रहूंगा। लड़की तुम ढूंढो, कामयाबी हम प्राप्त करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, भगवान कृष्ण एक दिन के लिए बिजली की और मालूम चल गया था 4 कदम पीछे आ गए। ध्याय बना लिया था कामयाबी को इंप्रेस करेंगे, लड़कियां अपने आप हो जाएंगी। मेरी मम्मी को बात समझ आ गई, मम्मी ने लड़की ढूंढना शुरू की। अप्रैल 2008 मेरी मम्मी फोन करती है, लड़की वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या बोलते उसको, देखना दुखना जो होता है हमारा इधर ना रोकता नहीं, पहले टेस्ट करना चाहते हैं लंबाई ठीक है हमारा इधर ना। ₹1.5 लाख का ब्रेसलेट खरीदा जो आज 4.5 लाख का है, 19 लाख की सोनाटा एम्बेरा गिरी, उस वक्त की सबसे कैमरी और अकॉर्ड और सोनाटा एम्बेरा उस वक्त की सबसे ज्यादा, मतलब उस टाइम पे फॉरेन ब्रांड थे नहीं, BMW टाइप जयपुर में। गेटिंग माय पॉइंट, तीन ब्रांड थे कैमरी अकॉर्ड और सोनाटा। गेटिंग माय पॉइंट, हमने लंबाई देख के खरीदी, सबसे लंबी वाली खरीदेंगे। 19 लाख की सोनाटा एम्बेरा ब्रांड न्यू ली, अगले दिन लड़की देखने गए। अगले दिन लड़की देखने गए, मेरे चाचा जी बोलते हैं बेटे 19 लाख रुपए खर्च कर दिए, आदमी तो 5 ही आते हैं इसमें। आदमी
जब पांच ही आते तो एक मरुती खरीदता दो खरीद लेता, देता तो तीन खरीद लेता, तो अभी 6 लाख की आ जाने थी, 13 लाख बचने थे। 13 लाख तू जमा करवाता, 6 साल के बाद तो 26 होने, फिर 6 साल के बाद वो 52 होने। मैं बोला चाचा रुक, खड़े खड़े इतना घाटा तो मैंने जूम दिया ही नहीं। मैं कन्वेंस हो गया, मेरे को लगा यार ये सही हो रहा है। फिर मैंने ऐसे चुपका, ओ माय गॉड, अपने सेंसर एक्टिवेट कर भाई तू। अपने तू अलग तरीके का आदमी है। लोग मेरे पापा जी मेरे से पूछते हैं बेटे इतना पैसा कमाया हिसाब किताब में तो इतना सारा है। मैंने बोला बाकी उड़ा दिया। बोला इतना सारा जितना कमाया उसका 25% ही है हिसाब किताब में, 75 का। मैंने बोला उड़ा दिया। बोला क्यों उड़ा दिया? मैंने बोला उड़ाया नहीं होता तो कमाया नहीं होता। जिस आदमी के पास खर्चने की प्लानिंग नहीं है उसके पास कमाने की प्लानिंग कभी नहीं है। मेरे को लगा ये 19 लाख की गाड़ी में घूमेंगे ना तो और जो 2-3 करोड़ कमा लेंगे, लेकिन मरुती में घूमेंगे ना तो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते रह जाएंगे। बहुत छोटी उम्र में बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट थे। मेरी अप्लाई ने बताया था माँ बाप को कभी पैसे मत देना, सपने पूरे करना बस, महंगे से महंगी, जितना तो पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि एक बार पैसे का रिलेशन बन गया ना, रेडी मोर पॉइंट, फिर वो हमेशा आर्मी में देखेंगे तुझे, पैसे के रूप में नोट ही देखेंगे तेरे में। जो चाहिए आंखों में पढ़ लो, इधर उधर से पता कर लो, लेकिन ऐसे शौक पूरे करवाओ जो जिंदगी में खुद के पैसे तो कभी नहीं पूरे कर सकते। चलिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता हूँ, भगवान का बहुत आशीर्वाद हुआ, आज BMW में घूमता हूँ, 1 करोड़ के घर में रहता हूँ। सिर्फ इसलिए खरीदी थी कि मेरे दोस्त बोलते थे बेटे जब तू लड़की देखने जाएगा लड़की वाले पूछेंगे तू करता क्या है, तो क्या बताएगा। मैं उसको कंधे पे हाथ रख के बोलता था मैं ये सवाल ही खत्म कर दूंगा। कोई लड़की मना कर सकती है जो 8 महीने पहले इंजीनियर बना था, जिसका पापा जी एक मिडिल क्लास आदमी थे, 19 लाख की गाड़ी में घूमता है, ड्राइवर रखता है, 1.5 लाख रुपए का ब्रेसलेट डालता है, 18 के टोड़े हैं और चिकने, हम तुमसे भी ज्यादा खुश हैं। हम लड़की को चिकनाहट के दम पे नहीं इंप्रेस करने गए थे, औकात बना के गए थे। शादी होने के बाद 15 लाख रुपए के 5-स्टार होटल में 2 साल खर्च दिए, मालूम होना चाहिए शादी किससे साथ हुई है। 15 लाख रुपए की हवाई यात्राएं कर ली 2 साल के अंदर। आदमी गर्लफ्रेंड बनने से पहले अपने लिए जी सकता है, am I right or not? फिर वो गर्लफ्रेंड को खुश रखने में, शादी के बाद सबसे खूबसूरत वक्त होता है आदमी का जिस दिन सगाई होती है और जब तक शादी होती है। मालूम क्यों? इसमें दोनों लोग इंप्रेस करते रहते हैं दूसरे को। जब तक गर्लफ्रेंड होती है तो एक ही आदमी को करना पड़ता है।
yes or no? उसके बाद जिस दिन बच्चे हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको मालूम नहीं चलेगा 1,00,000 कमा रहा हूं, 90,000 तुम परिवार की नहीं सोच रहा हूं, 10,000 तुम अपने खाने से पहले भी सोचोगे खरू की नहीं करूं। चाहे तुम करोड़पति बन जाओ तब भी आपके मन में ये रहेगा कि अपने से ज्यादा परिवार को देंगे। तो मेरे दोस्तों, कामयाब होने की उम्र है गर्लफ्रेंड बनाने से पहले अपने लिए जियो। पिछले ही पीता था मैं स्टूडेंट लाइफ में, 300 रुपए का ब्रेकफास्ट करता था और कम से कम जिम वाले ने 500 रुपए की डाइट बता रखी थी, वो खाता था ताकि अपने लिए। लंबी बात नहीं करूंगा, लास्ट बात करूंगा, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड? थॉमस अल्वा एडिसन, am I right? Sorry. निकोला टेस्ला। उससे पहले एक सोच ली 182 में एक साइंटिस्ट ने पहली बार 2 कार्बन पेपर में 2 इलेक्ट्रिकल वायर लगाई और वो चमक गई, वो बना इलेक्ट्रिकल आर्क लैंप। गेटिंग माय पॉइंट? वहां से थॉट शुरू हुआ कि बल्ब बन सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? 1850 में जाके दोबारा एक और रिसर्च हुई, वो फेल हो गई। 1878 तक लोग रिसर्च करते रहे, पेटेंट लिया, लेकिन वो बल्ब जगा तो सही लेकिन लोगों के लिए लंबे समय तक काम करने लायक नहीं हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? 6 महीने पहले जिन्होंने पेटेंट लिया था उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन को वो पेटेंट भेज दिया और थॉमस अल्वा एडिसन ने 6 महीने के अंदर अंदर बहुत रिसर्च की और उसने एक ऐसा बल्ब बनाया जो कमर्शियल प्रैक्टिकल वैल्यू रखता था कि लोग उसको यूज कर सकते थे। गेटिंग माय पॉइंट? आज 10 पैसे की रॉयल्टी भी एडिसन इलेक्ट्रिकल बल्ब कंपनी को जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? आर यू आई एम सेइंग? ये मतलब नहीं है कि आप में कितनी योग्यता प्रतिभा है, वो कितनी कमर्शियल प्रैक्टिकल वैल्यू तक पहुंच सकती है वो आपके असली वैल्यू है। हमारा आइटम लता मंगेशकर का गला ऐसा था कि वो गाली भी देती थी वो गाना बन जाता था। आर यू आई एम सेइंग? अगर उसने अपनी कमर्शियल प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं बनाई होती और आंटियों के कहने से कीर्तन में ही गाती रहती, कुछ गा तो आज ना आप ना मैं ना गूगल ना दुनिया लता मंगेशकर को सुन पाते। हमारा इंटरनल उसने कमर्शियल प्रैक्टिकल वैल्यू बनाई। अरे कितने लोग भारती को जानते हैं, वो चौड़ी चौड़ी सी सब जानते हैं। हमारा इंटरनोड कोई सोच सकता है कि उसमें क्या टैलेंट है कि वो 1 करोड़ कमाती है, 2 करोड़ कमाती है, 3 करोड़ कमाती है। उसमें तगड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है जो सब में होता है, लेकिन उसने पॉलिश किया, ग्रूम किया, काम किया और उसकी कमर्शियल प्रैक्टिकल वैल्यू बनाई। हमारा इंटरनोड सचिन तेंदुलकर के बल्ले से बॉल लगती थी तो बस बहुत तगड़ा संबंध था। आर यू अंडरस्टैंड सेइंग? उसके भी चंद आवारा दोस्त थे जो उसको गली में खिलाते रहते थे। आर यू अंडरस्टैंड सेइंग? लेकिन उसने अपनी कमर्शियल प्रैक्टिकल वैल्यू ग्रूम की, इसलिए जिस उम्र में भारतवर्ष में लोग क्रिकेट में आते थे वो रिटायर हो गया। सब अच्छा, हमारे यहां कुछ यंगस्टर बॉडी बनाते हैं ऐसे चौड़े बाइक पे कैसे हमारा इधर इसलिए खोपड़ा टेस्ट करो ना उनका तो लगेगा बंदी फसाएंगे से। Am I right or not? Yes, दिमाग में थर्मामीटर डालो ना तो बस यही लो देखा देखा।
Yes or no? Yes sir. Zero commercial practical value. 10,000 रुपए का प्रोटीन पाउडर पी गए. Am I right or not? Yes. सारे घर वाले तंग है. इधर सलमान खान भाई साहब, उन्होंने भी बॉडी बनाई, ऐसे शर्ट काटते 100 crore. मैं आज आपको अवेयर करने आया हूं, मैं आपको कामयाब करने नहीं आया हूं, क्योंकि यही तो 35 साल में आएगा क्या कामयाब होना. तब ससुर भी बन चुके होंगे, सास भी बन चुकी होंगी, माँ बाप भी होंगे, बीवी बच्चे भी होंगे, मामा भी बन चुके होंगे, फूफा भी बन चुके होंगे, 15 रिश्तेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे रस्सी से कहा ऐसे होते हमारा इटर नॉट. फिर बोलेंगे छोड़, अपनी तो निकली, पैदा किया इसको करते हैं कामयाब. हमारा इधर ना आएगा 35 साल में. और मैं 35 साल तो बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, भारतीय युवा जाग चुका है, 18-19 साल में ही बिना बताए कामयाब होने के लिए काम कर रहा है. नौ पांच साल के बाद ऐसे चिकने चिकने लोग इस दुनिया में घूमे जो 18 साल पहले, 5 साल पहले कुछ भी नहीं थे. अरे वर्णम सिंह, और आज 23-24 साल की उम्र में ये लोग ब्लैक कलर की मर्सिडीज से एयरपोर्ट पे उतरते हैं, 5 स्टार में रहते, पीछे के ठप्पे लगते जा रहे पासपोर्ट पे फॉरेन घूमने के लिए. एक चिढ़ाएंगे आपको. बहुत बातें करनी थी लेकिन मेरी ट्रेन है. शायद आप भी बहुत टाइम ले चुके होंगे, तो मैं आज ज्यादा बातें नहीं करूंगा. मैं ये बोलूंगा 18-19-20 साल में अपनी कमर्शियल प्रैक्टिकल वैल्यू. बोलना तो आता है अच्छा, और अच्छा बोलना आता है, थोड़ा और काम कर सकते हैं बोलने पे. बस इसी को पॉलिश करना, और आपको पता है कि इधर आप खड़े होंगे, नेक्स्ट जनरेशन आपसे इंस्पायर हो रही होगी. Thank you so much for this. Vamos lá, deixa eu dar um pai lá.